मैंने फर्स्ट टाइम ये जो रिसॉर्ट है ऐसा देखा है जहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर इन लोगों का जिम भी है, ओपन जिम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ लार्ज है, यहाँ पर ऐसा छोटा मोटा कुछ भी नहीं, सब बड़ा है। मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ों से भरा हुआ है रिसॉर्ट और यहाँ का जो वैली व्यू है वो तो माइंड ब्लोइंग है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ओल्ड महाबलेश्वर आते हो तो रामसुख रिसॉर्ट में ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक रिसॉर्ट है। और आपने जो देखा वो जो ब्लैक और रेड हॉल था कॉन्फ्रेंस, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आज महाबलेश्वर के वन ऑफ द बेस्ट रिसॉर्ट्स में से एक रिसॉर्ट में आई हूँ जो कि लग्जरी रिसॉर्ट है और वो है ओल्ड महाबलेश्वर में। तो मैं आई हूँ रामसुख रिसॉर्ट जो कि बहुत ही बड़ा रिसॉर्ट है और यहाँ के जो रूम्स है ना वो बहुत ही अलग है और पूरा का पूरा रिसॉर्ट ही अलग है। जिसकी टूर में आपको देने वाली हूँ तो वो कैसा अलग है वो देखने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आपको बता दूँ मेरे बैक साइड पर महाबलेश्वर मंदिर है, जो शिवजी का मंदिर है जिससे ही महाबलेश्वर का नाम पड़ा। तो आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होने की वजह से आप वहाँ पर जा सकते हो, दर्शन ले सकते हो और आप मेरे पीछे वैली देख सकते हो, डैम व्यू देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया व्यू और बहुत ही अच्छे अच्छे रूम्स, पूरा रिसॉर्ट, उसका सब कुछ टूर तो मैं देने वाली हूँ। ये जो रिसॉर्ट है ये पुणे से 160 किलोमीटर की दूरी पर और मुंबई से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं महाबलेश्वर की सीरीज़ कर रही हूँ तो मेरी दूसरी सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा, तापोरा सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वैली व्यू और हेरिटेज रूम, ऐसे दो टाइप्स के रूम्स हैं। तो चलिए मैं अभी आपको रूम टूर स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ हेरिटेज रूम। तो आइए, यहाँ पर किचन है और वाटर बॉटल, यहाँ पर मिनी फ्रिज भी इन लोगों ने दिया गया है और स्पेशल थिंग तो ये बेडरूम है। वाओ, बेडरूम देखिए कितना खूबसूरत वुडन वर्क किया गया है, लैम्प है और ये जो कैंडल देख रहे हो कैंडल वुडन की है यहाँ पर। और ये बेडरूम है, यहाँ पर इन लोगों ने सिटिंग दी गई है, इसके साथ साथ यहाँ पर है टीवी। और चलिए मैं आपको गैलरी दिखा देती हूँ। ये है गैलरी, गैलरी भी देखो कितनी खूबसूरत विंटेज लुक है, यहाँ पर इन लोगों ने सिटिंग दी गई है। और बाहर की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, मैं आपको और एक दिखाती हूँ। आइए, रूम तो आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर अभी है वार्डरोब जहाँ पर आप अपना सामान ये सब कुछ रख सकते हो। इन लोगों ने यहाँ पर मिरर भी दिया है और ये देखो मिरर, हेलो। अब इसके साथ यहाँ पर ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत बड़ा क्लीन है। आप ये मिरर पर जो वुडन वर्क यहाँ के पूरे रिसॉर्ट के जो है वो बहुत ही बढ़िया है, हैंगिंग दी गई है। और इसके साथ साथ ये जो पूरी की पूरी रूम है बहुत ही लग्जरी रूम है। और अब अगर आप रामसुख रिसॉर्ट आ रहे हो तो इस रूम में ज़रूर स्टे कर सकते हो। हेरिटेज रूम के बाहर लॉन है जिससे आप वैली व्यू देख सकते हो। अभी हम लोग वैली व्यू पॉइंट पर जा रहे हैं जहाँ से हम लोगों को इनकी जो खुद की पर्सनल वैली है वो भी दिखाई पड़ती है। मैं अभी आपको डैम व्यू दिखा देती हूँ। ये रिसॉर्ट से यहाँ पर सीटिंग दी गई है और वो साइड पे स्पा और ओपन जिम है और यहाँ से आप देखो, वाह, वहाँ पर डैम देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल रहा है, वैली व्यू है, बहुत ही अच्छी जगह पर ये रिसॉर्ट है और यहाँ से व्यू माइंड ब्लोइंग मिल रहा है। डैम और माउंटेन व्यू देखने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं गेम्स रूम की तरफ। और यहाँ पर जाते समय हम लोगों को बहुत ही छोटे छोटे स्टैचूज दिखाई पड़ते हैं जो इंटरेस्टिंग है। तो गेम्स जोन के बाहर रीडिंग रूम भी है जहाँ पर आप मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अंदर हम लोगों को चेस, सॉकर, कैरम, पूल, टेबल टेनिस ऐसे बहुत से गेम्स है खेलने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर वीडियो गेम्स भी है जो आप खेल सकते हो या फिर आपके साथ अगर छोटे बच्चे हो गए तो वो भी यहाँ पर खेल सकते हैं। So guys,
साइज ये है ब्लैक एंड रेड हॉल, जैसे कि आप ये ब्लैक एंड रेड थीम का हॉल देख रहे हो, पूरा का पूरा बहुत ही एलिगेंट और विंटेज लगा रहा है। ब्लैक और रेड कॉन्फ्रेंस रूम के बाद ये और एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पर आप यहाँ पर भी इवेंट्स कर सकते हो। और मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ लाइब्रेरी, जो कि यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ है। यहाँ पर लाइब्रेरी में हम लोगों को जो सिटिंग एरिया दिया गया है वो बहुत ही बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर बैठ के आप बुक्स भी पढ़ सकते हो और बुक्स यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स की बुक्स मिल जाएंगी। यहाँ पर टोडलर जोन भी है, जिसके आपके साथ अगर छोटा बच्चा होगा और आपका कहीं बाहर जाना होगा तो आप यहाँ पर रखकर बच्चे को जा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया थिंग है यहाँ की। तो मैं अभी आपको स्विमिंग पूल एरिया दिखा देती हूँ। यहाँ का जो स्विमिंग पूल एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर पास में ही इसके चेंजिंग रूम है और ग्रीनरी के साथ ये जो खूबसूरती दिखते हैं वो तो माइंड ब्लोइंग ही है। सामने की तरफ हम लोगों को रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है। रेस्टोरेंट ओपन और क्लोज ऐसी दोनों तरह का है, जहाँ पर हम लोग व्यू देखते हुए हमारा खाना एंजॉय कर सकते हैं। सो मैं अभी आपको वैली व्यू रूम्स दिखा देती हूँ। तो ये है रूम और यहाँ पर लिविंग एरिया में एक बेड भी रखा गया है। यहाँ पर देख रहे हो बुद्ध का स्टैचू, बहुत बढ़िया। और यहाँ की सबसे खास बात, यहाँ पर भगवद गीता रखी गई है। तो यहाँ पर बड़ा सा मिरर दिया है, बहुत ही बढ़िया लुक दिया हुआ है। ये देख सकते हो ये जो विंडो यहाँ पर रखी गई है, बहुत ही खूबसूरत है पुराने ज़माने की। और इसी के साथ साथ ये है व्यू, यहाँ पर हम लोगों को स्विमिंग पूल और वैली व्यू मिल रहा है। तो चलिए हम लोग भी दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये तो लिविंग एरिया था जहाँ पर बेड रखा हुआ है। यहाँ पर वार्डरोब भी दिया गया है और यहाँ पर मिनी फ्रिज भी आप देख सकते हो, केटल भी यहाँ पर रखी गई है। और ये है यहाँ का वॉशरूम, वॉशरूम भी बड़ा और क्लीन है। और ये रही दूसरी रूम, इस रूम को भी एक गैलरी है जिससे आप यहाँ पर बैठ के आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये देखिए, ये रही ये रूम, बहुत बढ़िया है ना। यहाँ के जो रूम्स और जो रिसॉर्ट पर जो वुडन का वर्क है वो एकदम विंटेज और रॉयल लुक देता है, क्योंकि पुराने ज़माने की जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई है उसके वजह से एक अलग सा ही लुक आ जाता है, अलग सा ही टेक्सचर आ जाता है, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है रहने के लिए भी। सो मैं अभी आपको इस रिसॉर्ट के प्राइस के बारे में बता देती हूँ। इस रिसॉर्ट का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 8,000 रुपीज़ से और एंड होता है 11,000 रुपीज़। यहाँ पर बहुत ही यूनिक चीज़ें, लग्जरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये झूला, ये जो साउथ के जो टेम्पल्स होते हैं जिस पर जो कार्विंग की रहती है पत्थर के ऊपर, वैसे के वैसे इसके ऊपर अभी कार्व किया हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के रूम्स के अंदर, रिसॉर्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे छोटे छोटे स्टैचूस रखे गए हैं। रिसॉर्ट दिखाने में मेरा पूरा दिन चला गया, तो आप प्लीज़ मेरे इस मेहनत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि मैं आपके लिए और ऐसे ऐसे बढ़िया से बढ़िया रिसॉर्ट लाती रहूँगी। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।